के धुले में आस्था से खिलवाड़ किया गया। मंदिर की मूर्तियों को खंडित करने का आरोप लग रहा है। धुले पुलिस ने 3 संदिग्धों को हिरासत में ले लिया है। धुले में हिंदू संगठनों की जन आक्रोश रैली इसके बाद जारी है। इस वक्त भी जन आक्रोश रैली चल रही है और देखिए कैसे बार बार इस तरह की खबरें अनुराग सामने आ रही है। मंदिर की मूर्तियों को अब खंडित किया गया है। बताया जा रहा है 3 संदिग्धों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। श्वेता, अभी आज ही एक खबर सामने आई थी जहां पर एक शख्स ने मंदिर में जाकर, चंडी माता के मंदिर में जाकर नमाज पढ़ी थी सुबह, और अब ये खबर सामने आ रही है जहां पर मंदिर की मूर्तियों को खंडित करने का आरोप है। धुले पुलिस ने 3 संदिग्धों को हिरासत में ले लिया है। बहुत जल्दी से राकेश का रुख कर लेते। राकेश, ये जो 3 संदिग्ध पकड़े गए हैं, इनको लेकर क्या जानकारी है? क्यों ये मूर्तियों को खंडित कर रहे थे? देखिए, अभी तक ये सिर्फ संदिग्ध है, इसीलिए इनसे पूछताछ की जा रही है। अब तक ये साफ नहीं हो पाया क्या इन्होंने मूर्ति को खंडित किया है नहीं किया, इसलिए पुलिस अब तक इसमें कोई ज्यादा जानकारी साझा नहीं कर रही। वहां पे कोई सीसीटीवी नहीं था उस मंदिर के बाहर, इसलिए उन्हें ये जांच करने में थोड़ी सी और दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन यही सवाल है कि कोई इक्का दुक्का लोग ऐसे हैं जो असामाजिक तत्व है, जो ये चाहते हैं कि दोनों समुदाय के बीच में आपसी झगड़ा हो, शांति बिगड़ जाए, माहौल बिगड़ जाए, और ये कौन लोग हैं और इनका आखिर इरादा क्या है, किससे जुड़े हुए हैं, क्या ये कोई राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं या किसी बाहरी ताकतों से जुड़े हुए हैं, ये जांच की जा रही है। और इसीलिए देखा गया कि यहाँ पर जो धुले में घटना घटी है उसका कई सारे लोगों ने विरोध किया, 2-3 दिन तक इसका विरोध किया गया, और फिर आज जो है कई सारे हिंदुत्ववादी जो संगठन है उन्होंने जन आक्रोश आंदोलन निकाला जिसमें बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए, और प्रशासन लगातार वहां पे भी अपील कर रहा है कि धारा 144 लागू की गई है, जमावबंदी है वहां पर है, 5 से ज्यादा लोगों के होने पे प्रतिबंध है। ऐसे में लोग घरों से बाहर ना निकले, आंदोलन को किसी तरीके से शांतिपूर्वक खत्म करने की वहां कोशिश की जा रही है धुले में, और उसके बाद लोगों से अपील की जा रही है कि अब जो है इसके बाद में आप शांति बनाए रखिए ताकि किसी भी तरीके की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है कोल्हापुर जैसी वो पैदा ना हो। बिल्कुल सही कह रहे।